हेलो दोस्तों, मेरे बहुत से मित्रों ने मुझसे अनुरोध किया है कि मैं मेटावर्स के ऊपर आपसे कुछ बात करूं। मेटावर्स जिस तरह से यूनिवर्स आपने सुना है, वैसा ही मेटावर्स है जो इंटरनेट का अगला चरण है। ये चर्चा में अभी इसलिए आया क्योंकि फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने ये घोषणा की कि वे अब फेसबुक का नाम बदलकर मेटा कर रहे हैं और अब इसके साथ ही वे मेटावर्स की दुनिया में कदम रख रहे हैं। बहुत समय से कई बड़ी कंपनियां इस फिराक में थीं कि वे इस आने वाले भविष्य की तकनीक पर अपना धप्पा पहले जमाएं, पर इसमें आगे निकलते हुए मार्क जुकरबर्ग ने मेटा की घोषणा कर दी। ये हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन लाएगा? सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह इंटरनेट ने आके और सोशल मीडिया का आविष्कार करके हम सबके जीवन में परिवर्तन किए हैं, उसका अगला चरण होने जा रहा है मेटावर्स। मेटावर्स मुख्य रूप से 3D तकनीक पर आधारित होगा। जिन लोगों ने वर्चुअल रियलिटी को देखा है, जिन लोगों ने कभी जाकर 7D सिनेमा को का आनंद लिया है डिज्नी वर्ल्ड में या कहीं, या जिन लोगों ने वर्चुअल रियलिटी के कुछ दूसरे ऐसे गेम्स खेले हैं जिसमें कि आप एक प्रतिभागी के रूप में हिस्सा ले पाते हैं, वे अच्छी तरह जानते हैं कि वर्चुअल रियलिटी में आप किस तरह से उनकी दुनिया में समाहित होके और एक सम्मोहन की दुनिया में चले जाते हैं। मेटावर्स एक उससे एक कदम आगे बढ़ के आपके अवतार का निर्माण करेगा। आपका अवतार आपके प्रतिनिधि के रूप में आपके दोस्तों के साथ में उसी तरह से संव्यवहार कर सकेगा जैसा कि आप इंटरनेट के समय में बातचीत करने में कर सकते हैं। जैसे आपने व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया तो आप अपने दोस्त से तुरंत जुड़ सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। मेटावर्स अब आपके लिए एक ऐसे स्पेस का, होम स्पेस का की अवधारणा लेकर आएगा जिसका निर्माण आप अपने तरह से, अपनी तरीकों से, अपनी पसंद के आधार पर कर सकेंगे। मान लीजिए आप अपने दोस्त के साथ कश्मीर की वादियों में चाय पीना चाहते हैं तो आप अपने होम स्पेस में कश्मीर की वादी का निर्माण करेंगे। वहां आपका अवतार और आपके दोस्त का अवतार जाकर और कश्मीर की वादियों में चाय का आनंद ले रहा होगा। इसे आप और ज़्यादा आगे बढ़ाते हुए अपने कई दोस्तों के साथ एक साथ मिलकर रमी खेल सकेंगे। जो आप करना चाहेंगे वो अपने होम स्पेस में आप कर सकेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि जब ये चीज़ें ऐसी होंगी तो इसके लिए हमें कौन से अपरेटस की का इस्तेमाल करना पड़ेगा? प्रारंभ में तो जैसे वर्चुअल रियलिटी में हमें जो यूज़ करना पड़ता है, जिसे आप हेडसेट कहते हैं, VR हेडसेट, उस तरह के इंस्ट्रूमेंट से इसकी शुरुआत होगी। लेकिन मेरी जो सोच है कि ये हेडसेट बहुत जल्दी ही दूर होके और इसके नए आविष्कार और होंगे जो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होंगे, जो ज़्यादा आसान होंगे और जो इनका क्लमजी और बल्कि रूप है वो बदलेगा। मेरे अंदाजे से शुरुआत होगी एक किसी रूम में, जिसे कि आप 3D रूम कह सकते हैं, जैसा कि उन लोगों ने महसूस किया होगा जिनने कई बार साइंस फिक्शंस में या प्लेनेटोरियम में जाके आनंद लिया है इस तरह की मूवीज़ का जिसमें आप उसका भाग होते हैं। कुछ उस तरह के पहले रूम सामने आएंगे, उसके अगले चरण में फिर कुछ एक थिक सी, या फिर बोलें और थिक से थिन होती हुई एक शीशे की दीवार सामने आएगी जिसमें आप अपनी वर्चुअल रियलिटी में 3D दुनिया में आप प्रवेश करेंगे। और हो सकता है कि आगे जाकर ये और भी रिफाइंड होकर कुछ इस तरह से आ जाए कि आप सिर्फ आंख बंद करें और आंख बंद करके ही आप अपनी उस आभासी दुनिया में प्रवेश कर जाएं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो आप अभी देखते रहे हैं जिस तरह की वर्चुअल रियलिटी, उससे ये कैसे भिन्न होगा? ये कुछ ऐसा होगा जहां आप स्पर्श को भी, जहां जब अभी वाले जो आप VR देखते हैं उसमें आप सिर्फ आंख और कान का इस्तेमाल करते हैं, आपकी दो इंद्रियां इस्तेमाल होती हैं। लेकिन जिस मेटावर्स की अभी बात हो रही है उसमें आप स्पर्श को भी महसूस कर सकेंगे, आप बाकी भी जो आपकी इंद्रियां हैं उनके जो एहसास हैं उनको भी महसूस कर सकेंगे। तो आपको लगभग ऐसा महसूस होगा जैसे आप वास्तव में वही सब कार्य कर रहे हैं जो आपका अवतार उस काम में काम कर रहा है। और धीरे धीरे यह आपको शॉपिंग की दुनिया में, क्योंकि जैसा कि आपको याद होगा पिछले दिनों फेसबुक की एक एक्स एम्प्लॉई ने बाहर आके कहा था कि फेसबुक ने दुनिया में बच्चों को माइंड को विकृत करने में बहुत भूमिका निभाई है, उसने लोकतंत्र को विघटित करने में बहुत भूमिका निभाई। ऐसा क्यों? क्योंकि आखिरकार फेसबुक भी एक व्यवसायी है, उसे अपने व्यवसायिक हित देखने हैं और जहां लोग व्यवसायिक हित देखते हैं, जहां इस कंपटीशन में आते हैं, तो अपने आप उनके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो उन्हें दुनिया की लोगों की पकड़ जल्दी से जल्दी बनाने में हेल्प करते हैं। और आम रूप से जो लोगों को हम देखते हैं, एक आम आदमी, ज़्यादातर सॉफ्ट पोर्न हो गया, हिंसा हो गई और इस तरह की जो नेगेटिविटी वाली चीज़ें हैं उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है। तो इसी मजबूरी में फेसबुक ने भी इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया और आगे बढ़ा। तो यही हाल मेटावर्स में होना है। मेटावर्स में भी वो अपना एल्गोरिथम कुछ इस तरह से सेट करेंगे कि यही चीज़ें और जाके आगे बढ़ें। आपने देखा कि सोशल मीडिया ने
जब प्रवेश किया, जब व्हाट्सएप फेसबुक आपकी दुनिया में आए, तो किस तरह कितनी सारी सामाजिक वर्जनाएं टूटी और आपको पता लगा कि आपके अंदर और हमारे समाज के जो लोग हैं उनके अंदर कैसी कैसी भावनाएं, कैसी कैसी इच्छाएं भरी पड़ी थी। तो ये वास्तव में फेसबुक उसी लाइन पे ले जाएगा कि जो आपकी फैंटेसीज हैं, जो आपकी फैंटेसी की दुनिया है, उस फैंटेसी की दुनिया को रियलिटी में बदल सके, क्योंकि ऐसा करके वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों को आकर्षित कर पाएगा कि वो उनके लिए विज्ञापन लेके आए। तो मेटावर्स एक इस तरह से भी आपको ऐसी विज्ञापन की दुनिया में ले जाएगा जहां आप अपने प्रोडक्ट को, आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहते हैं, आप उसकी गंध ले सकें, आप उसका खाना चख के उसका स्वाद महसूस कर सकें, ऐसी दुनिया में आपको मेटावर्स ले जाएगा। इसके अलावा कुछ इसके अच्छे परिणाम भी हो सकते हैं, जैसे रिसर्च की दुनिया में आज आप फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स करते हैं, जो बच्चे आप देखते हैं उनके पास आवश्यक इंस्ट्रूमेंट नहीं होते, जो गांव देहात में उस तरफ लैब्स नहीं होती, केमिस्ट्री की जो परीक्षाएं पढ़ते हैं, जो कक्षाएं लेते हैं, उनके पास वैसी फैसिलिटीज नहीं होती। अब आप उस जब आप मेटावर्स की दुनिया में जाएंगे तो उनको वैसे प्रयोग करने के लिए बहुत अच्छी सहूलियतें होंगी, वो लगभग बिल्कुल वैसे ही कर पाएंगे जैसे कि वे वास्तव में होते हैं। इसके अलावा ऐसे रिसर्च स्टूडेंट जिनको कि ऐसी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, जिनका प्रयोग करके वो अच्छे नतीजों को, सही नतीजों को प्राप्त कर सकें, उनके लिए बिल्कुल ऐसी स्थितियां बनेंगी कि जहां वे वास्तविक रिसर्च कर पाएं। तो ये इसके लाभ भी होंगे। जब भी कोई नई तकनीक आती है तो उसमें दोनों बातें होती हैं, कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है। ये हम पर डिपेंड करेगा, हम पर निर्भर करेगा कि हम किस तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमें तैयार रहना चाहिए मेटावर्स की दुनिया में प्रवेश करने के लिए, और मेटावर्स के साथ अपनी दुनिया को और रंगीन बनाने के लिए और ज्ञानवर्धक बनाने के लिए हम पर निर्भर करेगा कि हम ज्ञान का रास्ता तय करते हैं या फिर हम उस आकर्षण की दुनिया में फंस के अपनी फैंटेसी के साथ में और ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं।